अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? कराची वाला, आज बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में आए, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जी अगर आप लियारी एक्सप्रेसवे का सफ़र करते हैं रात में, और सफ़र भी करते हैं आप मारेपुर इंटर, जो इसका इंटरचेंज है, ठीक है, या जो इसकी एंट्रेंस है, वहाँ से लेकर हाईवे तक, तो कैसा एक्सपीरियंस है? अभी मैं शेरशाह वाले रोड से बस थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ, और ये मैं लियारी एक्सप्रेस वे पे बस मैं चढ़ने लगा हूँ। ये हमारी टर्निंग है, यहाँ से हम टर्न होंगे, यहाँ से ही लियारी एक्सप्रेस वे का आगाज़ हो जाता है। ठीक है, रात का सफ़र थोड़ा, यहाँ पर मैंने बोला चलो थोड़ा आप लोगों को दिखाऊँ, थोड़ा डिफरेंट होगा। 12-13 किलोमीटर का रोड है, 7-8-10 मिनट लगते हैं हाईवे तक पहुँचने में, तो चलें देखते हैं ये सफ़र हमारा कैसा रहता है। आप लोग वीडियो एंजॉय करें, और अगर आप लोग पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के जो है वो कराची के रास्तों को कवर करता हूँ, साथ में कुछ हालात के ऊपर, कुछ इकनॉमी के ऊपर, और जो डिफरेंट ट्रेंड चल रहे होते हैं शहर के, उसके ऊपर भी बात हो रही होती है। वजह ये है कि भाई सीधी सी बात है, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मुझे कोई इतनी एडिटिंग वगैरह आती है, बस ये मोबाइल लेके गाड़ी पे लगा दिया है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों से बातचीत हो रही है, और असल जो वैल्यू है वो बात सुनने में है। ठीक है, रास्ते तो आप लोग देख ही लेंगे, अल्लाह आपको इंशाल्लाह मौका दे आप इन रास्तों से गुजरें और अपनी मंजिलों तक पहुँचें। खैर, मज़े की बात यह है कि पीछे अभी रैली वगैरह की वजह से जो है मैं कोई आधा घंटा ट्रैफिक में फंसा हुआ था, हालांकि इरादा तो यही था कि पीछे से वीडियो बनाता हुआ था, आपको PIDC से ये सारा रूट दिखाता, लेकिन चूंकि रैली थी, रश था, तो इतना सेफ नहीं लगा मुझे, तो इसलिए जब मैं ये लियारी एक्सप्रेस वे पे आया हूँ तभी ये मैंने अपनी वीडियो ऑन की है। तो बस अभी हम लोग जो हैं और टॉल तक पहुँचने वाले, वहाँ से टॉल वाले भाई हमसे इसका टॉल लेंगे, 30 रुपये टॉल है यहाँ का, वन साइड का, मुनासिब है, रास्ता बहुत साफ सुथरा है। अगर आप यही रास्ता जो है वो शहर के बीच में से लेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल PIDC से या मेरियट होटल आप कह लें, वहाँ से अगर आपको गुलशन, या खैर मुझे तो सपूरा चौरंगी तक जाना होता है, अगर आप रिवायती रास्ता लेंगे तो कम से कम आप यूँ समझ लें कि 1 से 1.5 घंटा आपका कहीं नहीं गया। लेकिन इस रोड से फ़ायदा ये होता है कि आप वो 1 से 1.5 घंटे का जो सफ़र है वो आप हार्डली कोई 1 से 1.5 घंटे दे दिए हमने, अब हम आगे बढ़े हैं। यहाँ से ये मस्जिद भी है, यहाँ पे आप जैसे टॉल पे एंटर होंगे, हाईवे पुलिस भी यहाँ पे मौजूद रहती है 24 घंटे, इनकी हेल्पलाइन भी है। ठीक है, इनकी हेल्पलाइन का नंबर अगर मुझे कहीं नज़र आया तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं नज़र आया सॉरी, लेकिन ये है कि अच्छी सर्विस है, हाईवे वाले यहाँ पे अवेलेबल होते हैं 24 घंटे, और बस ये है कि अल्लाह ना करे बीच में आपको रुकना पड़े, क्योंकि सुनसान रोड होता है रात में, दिन में तो चलो फिर भी शाम में रोशनी में गाड़ियाँ, मुझे रात में थोड़ा सा जो है ना ये अनसेफ हो जाता है। खैर, अभी हमारा रास्ता चल पड़ा है, अच्छी बात है, अभी अंधेरा है तो आप लोगों को इतना कुछ खास नज़र आ नहीं रहा होगा, लेकिन ये है कि रास्ता बहुत स्मूथ है। नॉर्मली मैं ये रास्ता यूज़ करता हूँ अपने मतलब डेली कम्यूट में, सुबह भी शाम में भी, तो देखते हैं कहाँ ले जाता है रास्ता में, अगर इस तरह मैं लाइट करता हूँ, हाँ ये थोड़ी कुछ बेहतर लग रही है मुझे, ताकि आपको रोड का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो ये सूरत है। चलें बाकी आप वीडियो एंजॉय करें, फिर इंशाल्लाह आपसे जब हाईवे पहुंचेंगे फिर बात होती है। ठीक है जी,
चले मैं चलते चलते आपको जो है तिहारी एक्सप्रेस वे के बारे में बता देता हूँ। अगर आप मारेपुर से आएंगे तो आपको बेसिकली तीन जंक्शंस मिलते हैं। रोड बहुत फास्ट है, पीछे वाले लोग बिल्कुल सबर नहीं करते। मैं थोड़ा सा राइट लेन पे आ जाऊँ, लेकिन राइट लेन पे आने के लिए भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन चलें ठीक है। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आप मारेपुर से स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र, तो पहला इंटरचेंज आपको मिलेगा गार्डन पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंटरचेंज आपको मिलता है हसन स्क्वायर पे, उसके बाद हाईवे। बीच में जो है एक रास्ता इसका वाटर पम्प और सुराब बोर्ड की तरफ भी जाता है, तो आपका जहाँ पे एग्जिट हो वहाँ पे आप जो है उतर सकते हैं। काफ़ी पुराना रास्ता है, शुरू में जो है इसका हाईवे से लेकर जो मारेपुर तक का रोड है वो बन गया था। वापसी के लिए हसन स्क्वायर से हाईवे तक का रास्ता था। ये जो रास्ता है मारेपुर से हाईवे तक का, मतलब मारेपुर से हसन स्क्वायर तक का जो पैच रहता था, वो अभी समझ लें को 4-5 साल पहले बना है। अच्छा, अब ये जो गाड़ियां आ रही हैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये अगर मैं दिखा सकूँ, हाँ ये बेसिकली वो गाड़ियां हैं जो गार्डन से कनेक्ट हुई हैं। ये गार्डन पे हम पहुंच गए हैं, गार्डन वाले इंटरचेंज पे। हमें जाना सीधा है तो हम सीधा ही जा रहे हैं। ये मतलब पूरे रास्ते में कहीं आपको कोई बाइक वगैरह बहुत कम नज़र आएगी। यहाँ पर जो है कुछ ख़ास मखसूस गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं उनकी बाइक्स वगैरह अलाउड हैं, बाकी नॉर्मली बाइक और रक्षा या हैवी ट्रैफिक इवन वो भी अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ा बेहतर हो जाता है, ट्रैफिक फ्री होता है, सिग्नल फ्री है, चलती 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 रहती हैं गाड़ियाँ। अजान हो रही है, मैं अभी ज़रा अपनी बात बंद कर रहा हूँ, खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ। ये एक लंबी सी कतार आपको नज़र आ रही होगी, तिहारी एक्सप्रेस वे पे उमूमन ऐसा होता नहीं है। आज चूंकि रैली है और जब रैली होती है तो फिर ऐसा होता है, बहुत लंबी कतार मुझे नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही होगी। तो आज हम मोरखा 14 मार्च 2023 और इस वक्त हो रहा है रात के 8:07 और हम यहाँ पे फंस गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है हमें निकलने में, क्योंकि ये कतार तो बहुत लंबी लग रही है मुझे। हालांकि मज़े की बात ये है कि लियारी एक्सप्रेस वे अगर आप यूज़ करते हैं तो मारीपुर से हाईवे का जो सफ़र है ना
वो है टोटल 10 से 12 मिनट का। लेकिन आज चूंकि रैली है तो बस अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 10 मिनट मुझे हो चुके हैं ऑलरेडी ये वीडियो बनाते हुए आप लोगों के साथ। मेरा इरादा ये है कि मैं इस पूरे ट्रैफिक जैम को आज मैं कवर कर लूं और देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक। ये भी वैसे ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे अच्छी बात ये है हाँ कि ऐसा जितना प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि हाईवे पुलिस यहाँ पे बहुत एक्टिव है। NHA के अंडर में है ये, मतलब लोकल पुलिस या ट्रैफिक जो है सिंध गवर्नमेंट की उसके अंडर में नहीं आता ये। NHA वाले इसको मेंटेन भी करते हैं और तमाम जो इसके अफेयर्स हैं वही देखते हैं, तो एक थोड़ा बेहतर ये इसका मामला है। लेकिन ऑब्वियसली पूरा शहर तो NHA नहीं कवर करता, वो तो हमारी सिंध गवर्नमेंट करती है। तो बस अब देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि आज थी रैली, पता था, आइडिया तो था, लेकिन अब जाहिर है काम पे तो जाना है, फिर काम से घर भी जाना है। काम पे तो सुबह सुबह आ गए थे, अब काम से घर जाते हुए जो है वो ये सूरत हाल है। पहले मैं मारीपुर वाले रोड पे फंसा था रश में कोई 25 20 25 मिनट, अब यहाँ पे जो है सूरत हाल देखते हैं क्या है। गाड़ियाँ चल तो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह करे थोड़ी रफ्तार बेहतर होना ही शुरू हो गई है, अजान भी हो रही है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। और मुझे लगता है कि हम नदिया पार हो गई है हमारी, क्योंकि ट्रैफिक एक दफ़ा जब कराची का चल पड़ता है ना तो वो रुकता नहीं है, और एक दफ़ा जब छिड़ जाए ना उसको फिर संभालने वाला कोई नहीं होता। अब मज़े की बात ये है कि जब हालात सही होते हैं, तमाम चीज़ें ठीक होती हैं, तो जगह जगह ना आपको जो है वो हर चीज़ नज़र आएगी, सिक्योरिटी नज़र आएगी, एहलकार नज़र आएंगे, सबको रोक रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। अच्छी बात है, दिल खुश होता है कि हाँ यार चलो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको डेवलप होती है। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं ना तो सब गायब, तो उस वक्त मतलब वही बात है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को इन चीज़ों की फील होती है ना कि भाई कोई एहलकार हो, कोई नुमाइंदा हो, कोई खड़ा हुआ हो, मैनेज कर रहा हो, फिर भी तसल्ली रहती है कि हाँ यार चलो ठीक है, रश है लेकिन मैनेज हो रहा है, कोई संभाल रहा है, कोई देख रहा है। जब नहीं होता तो बस फिर ये बेसिकली, अब हम आ गए हैं अपने हसन स्क्वायर के इंटरचेंज पे। यहाँ पे नॉर्मली इतना रश बिल्कुल भी नहीं होता, होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो गाड़ियाँ बस सीधी डायरेक्ट या तो हसन स्क्वायर उतर जाती हैं या राइट साइड पे हसन स्क्वायर के लिए उतर जाती हैं, लेफ्ट साइड से FB एरिया की तरफ उतर जाती हैं, या फिर सीधा जो है वो हाईवे की तरफ चली जाती हैं। हम सीधे जाने वाले हैं कि हमें हाईवे की तरफ जाना है, हमारी मंजिल वही है, तो जाना तो है। देखते हैं कितना रश है, कितना ट्रैफिक है, क्योंकि भाई घर तो जाना है ना, घर तो जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, अक्सर गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, अल्लाह खैर करे खराब ना हो गई हो, अल्लाह मदद करे इन सब की। कुछ लोग वैसे ही खड़े हो जाते हैं जरा मोमेंट को फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये भी अच्छी बात है। ये इन मामलात में ना पैनिक नहीं होना कभी भी। कराची में जो लोग रहते हैं उन्होंने बहुत सारे ट्रैफिक जैम्स झेले होंगे, बारिशों में, रैलियों में, अच्छे हालात में, ख़राब हालात में,
फिर ट्रैफिक जाम जो है वो समझ लें कराची की जो है ना एक विरासत का एक हिस्सा है, मैं ये समझता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई जब बहुत अच्छे हालात होते हैं तो मैं तो जानबूझ के रश वाले एरिया में खुद घुस जाता हूँ कि भाई ज़रा ट्रैफिक का मज़ा लिया जाए, क्योंकि आदत ख़राब हो जाती है ना अगर आप सीधे सीधे रोड्स पे चलते रहें। तो खैर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अभी गाड़ी हमारी चल रही है तकरीबन 50 से 60 की स्पीड में, ये भी सही है। नॉर्मली यहाँ पे जो स्पीड होती है गाड़ियों की वो 90-100 होती है एवरेज, ठीक है। लेकिन आज चूंकि रैली थी तो बस देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है ये भी गाड़ी चल रही है, मंजिल करीब से करीब तक होती जा रही है, यही अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। देखना ये है कि ये हाईवे का जो सफ़र है ये कितनी देर में ख़त्म होता है। हार्डली यहाँ से अब मेरा ख्याल है कोई 4 से 5 किलोमीटर और सफ़र हमें करना है हाईवे तक, उसके बाद हमारी मंजिल जो होगी वो हाईवे से हम स्कीम 33 की तरफ टर्न करेंगे, वहाँ तक हमारी सफ़र है। अजानें हो रही हैं, मुस्तकिल अजानें हो रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैं फिर ज़रा खामोशी अख्तियार करूँ जब तक ये अजानें कंप्लीट हों, फिर आपसे बात होती है। बाहर जो है इतना ट्रैफिक नहीं नज़र आ रहा, लोग शायद मोहतात हो के गाड़ियाँ चला रहे हैं क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ जो है ना दिल्ली एक्सप्रेस वे पे जमा होती नहीं है, मतलब वो चलती रहती है, जमकट्टा नहीं लगता। अभी चूँकि जमकट्टा लग गया है, अभी आपको मेरे आगे नज़र आ रहा होगा कि जी पूरी इस रोड पे ना 3 लेन्स बन गई हैं, हालांकि 3 लेन्स होती नहीं है, 2 लेन्स में ही सारा ट्रैफिक गुजर जाता है यहाँ से। लेकिन चूंकि आज रैली थी तो इस वजह से ये सारा काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं। बस यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन जलसे रैलियों से, अच्छी बात है हर किसी को हक है अपनी बात कहने का, रखने का, एहतजाज करने का, लेकिन ये ज़रूर सोचना चाहिए कि यार उसकी वजह से जो आम आवाम है, आम इंसान है, उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो रही है। अब ये मेरे बराबर में ईदी होम की गाड़ी जा रही है, उसको भी कहीं जाना होगा। अब इससे याद आया, खुदा ना खास्ता आपने अक्सर सुना होगा ट्रैफिक जैम्स में एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, मरीज़ बेचारे एम्बुलेंस में ही अल्लाह से जा मिलते हैं। तो सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। हम सबको ये चाहिए कि भाई हम सबको रास्ता दें, रास्ते बनाएं लोगों के लिए, रास्ते आसान करें, ना कि जो है ना हम किसी का रास्ता रोकें, बंद करें, तकलीफ दें किसी को। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम इन सब चीज़ों की ना पकड़ है, आपने जवाब देना है।
ये 10 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट हो चुके हैं और आगे लंबी कतार आपको नजर आ रही है। बेसिकली आज चूंकि काफ़ी दिनों बाद में वीडियो बना रहा था तो मैं हरगिज़ नहीं चाह रहा था कि मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं। बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स थे मेरे माइंड में, क्योंकि आपको पता है कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट तो होता नहीं है मेरे पास, ठीक है, बस मेरे माइंड में या जो चीज़ें चल रही होती हैं इधर उधर की, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बस लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए जो है छोटा सा चैनल बनाया हुआ है। अब आप लोग अगर मेरी बात को लाइक करते हैं तो वीडियोस पे आप मुझे कमेंट दें, लाइक भेजें, सब्सक्राइब करें, बैठ सी बात है कि भाई एक लॉन्ग टर्म प्लान रखा हुआ है जहन में, एक कोशिश है करके देख रहा हूँ। आप सबको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू, क्या पता कौन सी चीज़ अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर कर दे, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप अगर ये सोच लेंगे कि यार आप कोई अनोखा काम कर रही हैं तो लोग क्या कहेंगे, अम्मा क्या कहेंगी, अब्बा क्या कहेंगे, बहन क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, खाला पुप्पो ताया मामा चाचा, आपके दोस्त ऑफिस के लोग क्या कहेंगे, तो भाई उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस ख्याल से बुढ़ापे में आप बैठे हों बिस्तरे मर्ग पे और आप ये सोच सोच के डिप्रेशन में मर जाएं कि यार ज़िंदगी में बहुत मौका था, ये कर लेता वो कर लेता नहीं किया, उससे बेहतर है भाई कर लें। उसकी वजह ये है कि फैसला करना भी जो है ना बड़ी दिलेरी और बहादुरी का काम है। इसके ऊपर एक मैं पूरी टॉपिक को कवर करूंगा इस टॉपिक को कि लोग आखिर फैसला क्यों नहीं कर पाते, ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल मिथ है, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं, ये मैं सारी चीज़ें रखूँगा आपके सामने इंशाल्लाह, कोशिश है नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जो इंसान को वो काम करने से रोकती हैं जो वो सबसे ज़्यादा करना चाहता है, मतलब अच्छा काम, उसमें क्या खौफ होते हैं, क्या उसके सोच होती है, क्यों नहीं कर पा रहा होता, ठीक है ना। तो खैर बहरहाल अभी भाई हमें तकरीबन 24 मिनट होने वाले हैं और अभी सो फार सो गुड वाली कैफियत है, नॉट बैड वाली सूरत हाल है, क्योंकि इतने वर्स कंडीशन में अगर हम यहाँ तक आ गए हैं इतने कम टाइम में तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अभी जो सवालात मेरे जहन में उठ रहे हैं वो ये हैं कि भाई हाईवे पे उतरने के बाद क्या होगा, देखते हैं। हालांकि मेरा इरादा था कि ये वीडियो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की होगी, जो टॉपिक मैंने सोचा हुआ था या जो बात मुझे आपसे करनी थी, लेकिन खैर अब वो फेड हो गई है सारी, अब उसको करने का वो मकसद नहीं है ना, वो एनर्जी है अब, मतलब एग्जॉस्ट हो गया यार अब, मतलब इतनी देर को मैं ओवरऑल वीडियो तो खैर अभी मैंने स्टार्ट की है रिकॉर्ड करना, लेकिन ऑफिस से निकले हुए ना मुझे हो गए हैं तकरीबन, मैं आपको बताता हूँ, 1 घंटा और 22 मिनट, मतलब 1 घंटा और 22 मिनट अगर मैं गाड़ी चलाता रहूँ तो मैं, मेरा ख्याल है हैदराबाद के तो करीब पहुँच ही जाता। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं 3 तलवार से घर नहीं पहुँच पा रहा, ये भी हमारे शहर का हुसन है भाई, क्योंकि आज रैली थी। अब किसकी रैली थी, क्यों थी, किस वजह से थी, कौन कर रहा था, ये सारी बातें जो है ना बिल्कुल बेमाने हैं इस वक्त यहाँ पे करना, क्योंकि इससे मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी,
है। अब यही नॉर्मल हालात होते हैं, 35-40 मिनट्स की ड्राइव है, इंसान अपने घर पे होता है, मगरिब की नमाज घर पे पढ़ता है आदमी, फिर घर पे टाइम स्पेंड करता है, अपने अपने जॉब टाइमिंग्स हैं सबके, कोई लेट निकलता है, कोई जल्दी निकलता है, हर बंदा अपने हिसाब से बेहतरी सोचता है। लेकिन बात ये है कि उस बेहतरी में जब ये जो एक्सटर्नल जो है वो रीजंस आ जाते हैं, अनकंट्रोलेबल रीजंस आ होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक रश में और एक ट्रेन में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई बस नहीं चलता, फंस जाते हैं आप चारों तरफ से। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हाईवे की सूरत हाल यहाँ से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी बेहतर लग रही है मुझे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, तो चलिए अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक अल्लाह का करम है। देखें चलते हैं। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खैर अब तो एंड आ गया, वीडियो आपने पूरी देखनी है, भले फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, जल्दी जल्दी देख लें, देखें ज़रूर, देखने में वैल्यू नहीं है, सुनने में वैल्यू है। मतलब वो ऐड चल रहा है ना आजकल के, इस ऐड को आंख बंद करके देखें, तो चाहे तो इस वीडियो को भी आंख बंद करके देख लें, लेकिन खैर चलें जैसे आपको सही लगे। हाँ लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि कोई वैल्यू ऐड हुई है इस वीडियो से आपकी लाइफ में, या आपके मुंह पे कोई स्माइल आई है मेरी किसी बात से, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे कर अपने शहर वालों की, अपने मुल्क की, ताकि मैं इस चैनल को ग्रो कर सकूँ। आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन वो उसी वक्त पॉसिबल हैं कि जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं देखूँगा कि हाँ यार मेरा काम अप्रिशिएट हो रहा है, मेरी बात को लोग लाइक कर रहे हैं, या मेरी बात से लोग इत्तेफाक कर रहे हैं। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसके लिए डिसलाइक का बटन होता है, उसके लिए कमेंट में आप लिख सकते हैं, जो आप ये ओपिनियन सबका जो है वो रिस्पेक्टफुल होता है, तो ओपिनियन दें, अच्छा दें बुरा दें, हो सकता है आप कोई मुझे ऐसी बात बता दें जिससे मैं इम्प्रूव कर जाऊं, हो सकता है मेरी कोई ऐसी बात आपको अच्छी लगे जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो जाए, तो बस ये सूरत हाल है। तो जनाब फाइनली हम हाईवे पहुंच चुके हैं, हाईवे की रौनक एक अलग रौनक होती है, बड़ी बड़ी बसें, बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, चौड़े चौड़े रोड आपको मिलते हैं, तो ये है। खैर एक वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाई थी ट्रैफिक की सूरत हाल पे, वो भी रात में बनी हुई है, मौसमियात का एक इलाका था, वहाँ से मैं अक्सर गुजरता था, तो मुझे यही नज़र आता था कि हालांकि इतना चौड़ा रोड है, वो चारों तरफ वहाँ पे ठेले वाले और ये पथारे और इस तरह की एक्टिविटीज़, मतलब कारोबारी एक्टिविटीज़, कारोबारी एक्टिविटीज़ होती थी, कमर्शियल एक्टिविटीज़, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार हमारे शहर का उसूल ही ना डिफरेंट है, सबको पालता है, और सबको पालने में सबसे बड़ा जो रोल है ना वो रोड का है, कि रोड पे सबको कारोबार मिलता है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो मांगने वाला हो, चाहे वो रोड पे खड़े होके कपड़ा बेच रहा हो, गाड़ी के कपड़े होते हैं ना साफ करने वाले, लोग पेन बेचते हैं, तस्बियां बेचते हैं, फूल बेचते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो सब रोड की वजह से होता है। अब ये भाईजान बिल्कुल कटिंग करके पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं, अल्लाह इनको पहुँचाए अपनी मंजिल पे। ये चीज़ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मदद करे। हालांकि मजे की बात, जाना इनको आगे मेहरान के पीछे ही है, मुझे
ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। यहाँ पे रश इसलिए है क्योंकि ये जो बड़ी बस अभी मेरे लेफ्ट से गुजरी है ना, ये बेसिकली यहाँ पे है बस स्टैंड। यहाँ से बड़ी बड़ी बसें निकलती हैं और बड़ी बड़ी बसें एंटर होती हैं। ये थोड़े से पैच पर रश हो जाता है, लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कटिंग करोगे और ये करोगे। वैसे मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पैनिक हो जाते हैं, इधर उधर कटे मारते हैं, या सीधा सीधा मेरी तरह आप चल रहे होते हैं? वैसे मैंने गौर किया है कि यार आप सीधा सीधा चलते रहेंगे ना, ना आप परेशान होंगे, ना आप डिप्रेस होंगे, ना आप पैनिक होंगे, और बाय द एंड ऑफ द डे सबने साथ ही पहुंचना होता है भाई, कोई जल्दी नहीं पहुंचता। पूरे 31 मिनट हो चुके हैं, ये अल्लाह खैर करे पीछे पीछे नहीं है बराबर में जो है वो राइट से जो है एक एम्बुलेंस जा रही है, ये सायरन आपको नज़र आ रहे हैं इसके। हालांकि 32 मिनट हो गए, 10 मिनट की वीडियो बनाने का प्लान किया था। गर्मी लगनी शुरू हो गई है तो भाई एसी भी चला लिया गाड़ी में हमने। आगे बेसिकली हाईवे का राउंड अबाउट है बड़ा वाला, उसमें यहाँ पे रश तो होता ही है, बल्कि होना ही है आज तो रश, क्योंकि आज है रैली, तो इस वजह से। खैर अभी टाइम भी है, बसेस निकलती हैं, निकलने का टाइम है बसेस का, 8 बज चुके हैं, क्योंकि 8 नहीं बज चुके भाई, 8:30 हो गए। तो खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई डोंट नो कितने लोग इसको पूरा देखेंगे। अब ये हैं हमारे जल्दबाज साथी, खैर जल्दबाज सुनी है, सबको जाना है, हर बंदा कोशिश करता है यार मैं जल्दी पहुंच जाऊं, तो सही है, आज रैली है तो आज जाएगा, सब जाएगा। एक्सेसिव हॉर्निंग मुझे करनी पड़ रही है, नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें। खैर हम उस राउंड अबाउट को क्रॉस कर चुके हैं और अब हम हाईवे की तरफ गामजन है। यहाँ से आगे से हमें एक यूटर्न लेना है, उसके बाद हम स्कीम 33 में एंटर होंगे तो हमारी मंजिल समाप्त हो जाएगी। अब आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग इस वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ रहे, लेकिन अगर आप रहे तो थैंक यू सो मच, और जो लोग शुरू में चले गए भाई उनका भी शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा कि लोग फैसला क्यों नहीं कर पाते, उसमें मैं इस तमाम एक्सपर्ट्स को मैं कवर करूँगा। हो सकता है उस वीडियो को देख के आप अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई कर लें, आप कुछ करना चाहते हैं वो आप करने लग जाएं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ख्वाहिश यही है।
कोशिश यही है कि इस वीडियो से, इस यूट्यूब के चैनल से आपकी लाइफ में कोई ना कोई वीडियो हो, सॉरी कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो। वीडियो वीडियो कर रहा हूँ ना, तो वीडियो वीडियो नहीं कर रहा बार बार। खैर बहरहाल, कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो कमेंट्स के जरिए। मेरा ईमेल एड्रेस भी अबाउट सेक्शन में है, आप वहाँ भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ताकि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे शहर का जो एक अच्छा पहलू है, मेरे कराची शहर का, वो लोगों के सामने आए। मुझे इस शहर से बहुत प्यार है, मैं शहर में पला बड़ा हूँ। 1980 से लेकर अब तक मैंने शहर में बहुत कुछ होते हुए देखा है, बहुत बदलते हुए देखा है। लेकिन इस शहर के हर रंग अच्छे हैं, हर रंग अच्छे हैं। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो मेरी बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन ये है कि जैसे मैंने कमिटमेंट की हुई है आपसे, खुद से, कि अपने सफ़र को तमाम करके ही ये वीडियो मैं कंप्लीट करूँगा, और ये पूरी की पूरी अपलोड होगी एज इट इज़। क्योंकि भाई मुझे एडिटिंग नहीं आती, मैं वो बहुत बड़ा एडिटर या यूट्यूबर या वीडियोग्राफर नहीं हूँ। हाँ, ओपिनियन रखता हूँ, वो आप उससे एग्री कर सकते हैं, मेरे ओपिनियन से आप डिसएग्री कर सकते हैं, अपना कोई फीडबैक दे सकते हैं अपने शहर के बारे में, इस वीडियो के बारे में, इतना बड़ा जो रास्ता हमने तय किया इसके बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और आने वाले मेरे ख्याल है 2 से 3 मिनट में हम स्कीम 33 में एंटर होंगे, तो फिर ये वीडियो उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। ये वो यू टर्न है, हाईवे है, आपको पता है, शहर भर के तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अच्छी फिज़ा है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी आते हैं फैमिली के साथ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, तो लंबी लंबा सफ़र अभी तो शुरू हुआ है बस। ये वो यू टर्न है भाई, यहाँ से हम टर्न लेंगे और टर्न लेने के साथ ही लेफ्ट हैंड पे सच्चल मोड़ कहलाता है ये टर्न। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर ये वीडियो मैं अपनी एंड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी और रास्ते पे, इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ओपिनियन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ये सच्चल मोड़ है, यहाँ शहर से बाहर आने वाली जितनी भी बसेस हैं वो यहाँ पे ज़रूर स्टॉप करती हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये रोड, अभी जहाँ से मैं उतरूँगा अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये रोड सीधा कनेक्ट होता है डाव हॉस्पिटल से, फिर आगे मौसमियात, फिर गुलिस्तान जौहर, फिर शारा फैसल, बाकी आप यूनिवर्सिटी रोड भी ले सकते हैं तमाम। ये है सच्चल मोड़ भाई, थोड़े से खड्डे हैं यहाँ पे, इसलिए ज़रा आराम आराम से उतर रहे हैं। ये सचल मोड़ आ गया, और ये आप स्कीम 33 में ऑफिशियली एंटर हो गए, और इसी के साथ हमारी वीडियो हो गई एंड। तो दोस्तों, मेरे शहर वालों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे अपने शहर पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए कराची वाले को इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हाफिज़।